कुछ दिन बाद गणेश चतुर्थी है, तो इसीलिए आज हम एक गणेश जी का ड्राइंग करेंगे। देखिए ये वाला पिक्चर मैंने सिलेक्ट किया है, इसलिए पिक्चर बहुत ही सुंदर है और देखिए कितना डिटेलिंग में काम है इधर। और आप जानते हैं कि जब भी मैं कोई ड्राइंग करता हूँ तो डिटेलिंग वाला रेफरेंस पिक्चर ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो इसलिए मैं ये पिक्चर भी सिलेक्ट हूँ। आप देखिए कितना डिटेलिंग में है इधर, तो ये ड्राइंग करने में बहुत मज़ा आएगा। और गणेश जी का फेस देखिए कितना क्यूट है, तो इसीलिए मैं ये वाला पिक्चर सिलेक्ट किया हूँ। तो ये पिक्चर करने के लिए मैं ग्रिड का यूज़ करूँगा और मैं बूस्टो का मीडियम सरफेस वाला A4 पेज यूज़ करूँगा इसके लिए। और मैं ग्रिड करके करूँगा, तो मैं पहले पॉइंट कर लेता हूँ। मेरा हर एक बॉक्स 2 सेमी का होगा, इसलिए मैं 2 सेमी छोड़ छोड़ के पॉइंट करूँगा, 2 सेमी छोड़ छोड़ के पॉइंट करूँगा, जैसे कि 2, उसके बाद 4, देन 6, देन 8, इस तरह करके हम लोग पॉइंट करेंगे। और 2 इंची तक पॉइंट करने का हम देखिए कि हाफ सेमी इधर रह गया, तो इसे हम नहीं करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हमें इस साइड में पॉइंट करना है, बिल्कुल वैसे ही 2 सेमी छोड़ छोड़ के पॉइंट करेंगे, 2, 4, 6, 8 इसी तरह पॉइंट करेंगे। और अब देखिए कि जब मैं 28 तक पॉइंट कर चुका हूँ, उसके बाद थोड़ा सा रह गया, उसके बाद पॉइंट नहीं होगा 30 पर, क्योंकि उतना पेज नहीं है, तो वैसे ही छोड़ देंगे। तो इसी तरह हम पूरा साइड में पॉइंट करेंगे और उसके बाद हम लोग लाइन को खींच लेंगे। और उसके बाद जब मेरा पेज रेडी हो जाएगा, तो मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, एक ट्विस्ट है, तो अब मैं फटाफट पेज को रेडी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं एक सवाल आपको पूछूंगा, जो लोग सही उत्तर देंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक शाउट आउट कर दूंगा। तो चलिए पहले पेज को रेडी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा पॉइंट भी हो चुका है, इधर से 1 से 11 तक है और साइड से A से O तक है, तो मेरा पॉइंट हो गया है। तो मेरा पेज रेडी हो चुका है, अब मैं आउटलाइन करूँगा। और आउटलाइन के लिए मैं बस यही बोलूँगा कि आपको बॉक्स को देखना है और फिर उसे ड्राइंग करना है। जैसे आप देखिए इस बॉक्स में जितना पार्ट है, हमें इस बॉक्स को ढूंढना है नंबर से, और उसके बाद इन बॉक्स में बस यही ड्राइंग करना है। तो इसी तरह हर एक बॉक्स अगर मैं हम ड्राइंग करेंगे तो हमारा पूरा आउटलाइन कम्प्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह मैं भी आउटलाइन करके आपको दिखाऊँगा कि कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं पेज रेडी होने के बाद आप लोगों को एक सवाल पूछूँगा और उसका जो सही उत्तर देगा मैं नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट कर दूंगा। तो आपके लिए मेरे पास जो सवाल है वो गणेश चतुर्थी से ही रिलेटेड है, क्योंकि आज मैं गणेश जी का ड्राइंग कर रहा हूँ, तो गणेश जी के बारे में ही मैं एक सवाल आपको पूछूंगा। देखता हूँ कि किस किस को पता है गणेश जी के बारे में। तो आप लोगों के लिए मेरा जो सवाल है वो है कि हम लोग जानते हैं कि गणेश जी का शरीर मनुष्य जैसा है और शेर हाथी का है, तो ऐसा क्यों है? कौन सा देवी या देवता के लिए, जब गणेश जी पूरा मनुष्य शरीर में था, तो कौन सा देवी या देवता के लिए उनका शरीर को काटना पड़ा था? अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट में बोल देना और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका शाउट आउट कर दूँगा कि कौन कौन लोग सही उत्तर दिया है। तो चलिए अब हम आउटलाइन शुरू करते हैं और अब देखिए मैं आउटलाइन कैसे करता हूँ, तो क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं।
मेरा आउटलाइन कंप्लीट हो गया है और इस वाला ड्राइंग में मैं जो क्वेश्चन पूछा था वो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बोलना, आंसर देना कमेंट में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं शाउट आउट कर दूंगा कि सही उत्तर कौन किसने दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते रहिए, तब तक आप इस वाला ड्राइंग का आउटलाइन कर लीजिए। तो आज के लिए बस टाटा।